एंड दर्लीय डेज ऑफ दकैनाइजेशन मकैनाइजेशन अब ये जहाँ पे जिस चीज़ को देखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि अगर कोई मशीन मैनुअली ऑपरेट होती है या तो। शुरू में आपको मालूम है कि आज से अगर कोई बीस तीस चालीस साल या वन हंड्रेड ईयर बैक चले जाएँ तो उस वक्त चीज़ें मैनुअल ज़्यादा ऑपरेट होती थी अब वहाँ पर वो चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई हैं ऑटोमेशन ने उनको रिप्लेस कर दिया है तो मैनुअल चीज़ों के अपने इश्यूज़ थे ऑटोमेटिक चीज़ों के अपने इश्यूज़ हैं वी आर डिस्कसिंग कामन मशीन इंजरी कामन मशीन इंजनी को अगर देखा जाए तो इसमें कटिंग एंड्रीरिंग शेयरिंग क्रशिंग स्ट्रेनिंग एंड पंक्चरिंग अब यहाँ पे जो कामन मशीन इंजरी है इसके अंदर अगर टेक्निकल देखा जाए इफ अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड्स आर नाट इन प्लेस आर इफ वर्कर्स फेल टू फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर इम्प्लाइज सेफ्टी प्रिकॉशन को करने में एक नाकाम हो जाए तो वहां पे क्या होगा मशीन कैन अप्लाई द सेम प्रोसीजर्स टू ह्यूमन के मशीन वो सेम ह्यूमन के ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करेगी यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट्स है वो टेक्निकल पॉइंट्स ये है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसओपी फॉलो नहीं करेंगे तो चांसेस है कि उस मशीन की वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान किसी इंडिविजुअल को हो सकता है यहाँ पे ये यह देखें इसकी ये डिटेल है मोशन टूवर्ड राइट साइड मोशन टूवर्ड राइट साइड निप पॉइंट अब यहाँ पे ये बेसिकली है क्या ये फिगर 14.3, 14.4, 14.2 इन सब में जिस चीज़ को बयान करने की जरूरत हमें पेश आई डी स्टूडेंट्स वो ये है मकैनिकल एंड मशीन सेफ गार्डिंग अगर आप लोग मकैनिकल को कंट्रोल कर लें मशीन सेफ गार्ड को कंट्रोल कर लें ऑटोमेटिकली आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे सेफ गार्डिंग डिफाइंड सेफ गार्डिंग बेसिकली है क्या इसको डिफाइन कैसे किया जाता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल डिफाइंस सेफ गार्डिंग एज फॉलो मशीन सेफ गार्डिंग इज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ऑफ मशीन ऑपरेटर कंटैक्ट दो चीजें हैं रिस्क को मिनिमाइज करना मशीन ऑपरेटर का ताकि जब वो रिस्क कम हो जाएगा तो वहां पे फिजिकल इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे इसको हम लोग सेफ गार्डिंग बोलते हैं सेफ गार्डिंग कैन बी डिफाइन एज एन इंडिविजुअल मेकिंग द कंट्रैक्ट विद द मशीन यूजली द मूविंग पार्ट बिकॉज ऑफ इन अटेंशन समाइम हम किसी चीज को हाथ लगा रहे होते हैं इन अटेंशन हम लोग अटेंटिव नहीं होते तो माइड पॉसिबल कि वो चीज़ आगे से हीट वाली है गर्म है तो नुकसान हो सकता है आपके हाथ का तो इंजरी हो सकती है इसको हम बोलते हैं इन अटेंशन काज बाई फटीक डिस्ट्रैक्शन क्यूरासिटी डेलीबरेट चांस टेकिंग अब इस सबको अगर डिफाइन किया जाए तो इसका ये मतलब है

ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मशीन है कुछ चीज़ें उसके साथ अटैच होती हैं कुछ चीज़ें चिप की शक्ल में कुछ चीज़ें उसके साथ वैसे इंटीग्रेट करती हैं अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि तो उनकी वजह से सम समटाइम कास्ड द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अ मशीन मेल फंक्शनिंग इंक्लूडिंग मकैनिकल एंड इलेक्ट्रिकल उन चीज़ों की वजह से बाद मशीन बंद हो जाती है या मशीन सही काम कर रही होती है लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है इंट्रोप्शन आ जाती है तो उन सब चीज़ों को भी सेफ गार्ड करना हमारी ड्यूटी है ओ एस एच एकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन रिक्वायरमेंट फॉर मशीन गार्डिंग अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन मशीन को सेफ गार्ड करने में हमें क्या स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है नीचे जो सी एफ आर नाइनटीन वन जीरो पॉइंट टू वन टू सी एफ आर नाइनटीन टू सिक्स पॉइंट थ्री जीरो जीरो बेसिकली क्या है ये स्टैंडर्ड्स हैं दीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहां पे हमें इस बात का इलम है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन हमें बताती है कि अगर कोई मशीन है उसको ऑपरेट करना है उसके साथ मैनुअल है मैनुअल के मुताबिक उसको ऑपरेट करेंगे फिर वो प्रॉब्लम कम से कम वहाँ पैदा होने के चांसेस होंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन रिक्वायरमेंट्स फॉर मशीन गार्डिंग नंबर वन टाइप्स ऑफ गार्डिंग टाइप्स ऑफ गार्डिंग नंबर टू जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर मशीन गार्ड्स नंबर थ्री गार्डिंग द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन एक्सपोजर ऑफ ब्लेड यहाँ पे जितने भी डी स्टूडेंट्स पॉइंट्स हैं इन सब का एक कामन मकसद है और कामन मकसद ये है आकोपेशनल हेल्थ सेफ्टी एसोसिएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर उनको 100% परसेंट फॉलो किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेश्स के अंदर वो जो मशीन है मशीन ऑपरेटर है उनकी परफॉर्मेंस हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज होगी अदरवाइज इट में क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू पीपल रिस्क असैसमेंट इन मशीन ऑपरेशन मशीन के अंदर रिस्क को भी असेस किया जाता है रिस्क क्या है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड से डेरिशन है इसको रिस्क बोलते हैं हाउ सीवियर आर पोटेंशियल इंजरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी स्टूडेंट्स बाल मशीनें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर आपके जिसम के इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसमें आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सपोज होती है ज़्यादातर उसके साथ टच होती है मशीन के साथ तो वहाँ पे आपने जो प्रॉपर मेकनिजम तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव गेयर है उनको पहनना है उनके बगैर आपने इस मशीन को ऑपरेट नहीं करना तो वहां पर रिस्क असेसमेंट चांसेस कम से कम आपके पैदा होंगे अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि रिस्क असेसमेंट इन मशीन ऑपरेशन इसमें ये देखा गया है कि व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग हैजर्ड इफ इट डज अकर अगर कोई प्रॉब्लम डिटर्बिट पैदा हो जाती है तो उसको खत्म कैसे किया जा सकता है या उस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे किया जा सकता है या दोबारा उसको पैदा ना होने दिया जाए इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वट इज़ लाइकलीड ऑफ अ सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम फेल अगर सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपने उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है नॉर्मली मशीन ऑपरेटर को ऑटोमेशन और मैनुअल दोनों काम सिखलाए जाते हैं अगर सेफ्टी ऑपरेश आपके नाकाम हो जाएं, तो मैनुअल आपने उस चीज़ को ऑपरेट करके उस सेफ्टी से किस हद तक हेल्प लेनी है किस okay, हद तक ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में उस काम को आपने परफॉर्म करना है इसको हम लोग डी स्टूडेंट्स बोलते हैं रिस्क असेसमेंट इन मशीन ऑपरेशन